हम लोग क्या देख रहे थे, एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन हुआ इसका मतलब वह किसके कारण होगा, वह फोर्स के कारण होगा। इसीलिए नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी पांचवा जो है वह हम लोग देखेंगे फोर्स। वो पूछ सकता है आपसे कि फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, सबसे उसके पहले हम लोगों को क्या आवश्यकता है, उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले आवश्यकता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी बल। बल बराबर क्या होता है, आप लोग नीचे क्लास में पढ़े होंगे, बल बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यहां लिखेंगे एम मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को शॉर्ट में इस प्रकार से लिखा जाता है। आइए अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बता रहे थे मास के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एम। या तो ऐसे लिख सकते हैं, और कोई कोई बच्चा है क्या करेगा, एक्सीलरेशन को, एक्सीलरेशन को लिख देगा वेलोसिटी बटे टाइम, ऐसे लिख सकता है। कोई कोई बच्चा नहीं, ये सब आदत आती है कि ऐसे लिख दी, फिर बाद में वो गड़बड़ाने लगा। तो उससे अच्छा अगर हम डायमेंशंस लिख रहे हैं तो सब डायमेंशन लिखेंगे तभी लिखेंगे, अभी चूंकि इस समय डायमेंशंस नहीं लिखे, एक्सीलरेशन बराबर वेलोसिटी बाय टाइम लिखे, यानी फॉर्मूला लिखे। तो अभी हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको मास, ऐसे मास ही रहने, ठीक है। अब वेलोसिटी बराबर, ये मास तो ऐसे ही रहेगा, वेलोसिटी बराबर अभी बताए थे लास्ट वीडियो में क्या, कि वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होगा, यह बताए थे। और यह जो टाइम है, ये किस, यह जो आ रहा है वह किसके लिए, इस वेलोसिटी के लिए ऊपर वाला, तो डिवाइडेड वाला, डिवाइडेड वाला क्या आता है। तो ये सब चीज ध्यान रखा करे बच्चे कि यह जो है वह किसके लिए, ऐसे ध्यान से देखिए, ऐसे है, ये क्या है, इक्वल टू ऐसे ना है, तो ऐसे ही समझेंगे। तो अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कोई कोई बच्चा है सो ये नीचे आएगा तो क्यों आएगा वही नहीं समझ पाता। तो यहां पर उन बच्चों को ऐसे ध्यान रखना चाहिए कि ये नीचे आएगा तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट लिख दिए, और नीचे जो है वह ये जो है टाइम वह नीचे आएगा, तो ये टाइम तो ऊपर वाला, ये ऊपर वाला नीचे आएगा, ये टाइम है तो यह इनटू में होता है, जो बगल नीचे वाला ऑलरेडी है ये यहाँ इनटू में होता है। कुछ कुछ बच्चे ये भी नहीं जानते, देखते हैं कि जब वो बना के भेजते हैं तो मुझे अफसोस होते कि आप 10th क्लास बच्चे पास हो गए उसके बाद भी ये नहीं जान रहे ना। यह डिस्प्लेसमेंट को एक प्रकार से लंबाई कहेंगे, इसीलिए इसको लेंथ ले लिए, और यह टाइम इंटू टाइम, टाइम का स्क्वायर ऐसे करके लिख दिया, ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी बी स्क्वायर, टाइम इंटू टाइम टाइम स्क्वायर ऐसे लिख दिए ना। अब इसका फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है पूछेंगे कोई, तो मास के लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एम। इस लेंथ के लिए क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे, और डिवाइडेड बाय टाइम के लिए क्या लिखेंगे, तो कैपिटल टी लिखेंगे, और यह ऊपर में ऐसे स्क्वायर नहीं देंगे, यह जब भी लिखेंगे स्क्वायर तो यह पावर इसके अंदर देंगे डायमेंशंस को। तो ये सब चीज भी ध्यान रखना है बच्चे, ये सब चीज भी भूल जाते हैं, ऐसे क्यों नहीं लिखेंगे, लिखने का यह तरीका। अब ए को ऐसे लिखते हैं तो कहेंगे ऐसे क्यों नहीं लिखेंगे, तो अपना समझ है कि अब नाम इसको ए हम बोले, अब बी को कह रहे हैं बी को ए क्यों नहीं, तो उसी प्रकार यहां पर कहेंगे हम ऐसे क्यों नहीं लिखेंगे, मतलब क्या है, इसका मतलब अलग होगा यहां पर, ऐसा नहीं, जो लिखने का तरीका है उसको हम लोगों को जानना चाहिए, ऐसे ही लिखा जाता है कि ये अंदर लिखा है बाहर नहीं, ठीक है ना। अब यहां पर ये समझिए, ये एम है, एम रहेगा, कि एल है, यह एल ऊपर ही रहेगा, ये टाइम का स्क्वायर नीचे है यह ऊपर जाएगा, तो टी का पावर क्या होगा, माइनस टू, ये प्लस है ऊपर जाएगा माइनस, ये ऐसे। अब देखिए कि जो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आया फोर्स का, वह क्या आया, क्या एम एम टी का पावर माइनस टू। तो यहां मास का डायमेंशन कितना है, एक, लेंथ का कितना है, एक, टाइम का कितना है, माइनस टू। अब इसमें एम एम टी लिखने की जरूरत पड़ा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ एम एल टी लिखेंगे तो यही ना लिखाएगा, तो इसमें कोई अंतर पड़ा नहीं, इसीलिए इसको लिखेंगे ही नहीं। इससे पहले वाले जितना भी बताए थे उसमें मास नहीं आ रहा था, इसीलिए हम एम एल टी लिखते थे, अब यहाँ एम एल टी ऑलरेडी है तो हम लोग एम एल टी के ही फॉर्म में लिखते हैं, यह तो बताए ही नहीं, तो इसको ऐसे करके समझ के रखिए कि ये फोर्स का डायमेंशन हुआ ना।
अब सिक्स नंबर सिक्स यह है सो वर्ब कार्य, कार्य बराबर आप सभी को जानते हैं वर्ब यूनिट विस्थापन, यहां पर क्या हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब कोई बच्चा कहेगा सर हम डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं, जैसे कोई कोई बच्चा बहुत फास्ट बनाता है तो कहता डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं सर, फोर्स का हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, फोर्स का तभी बनाए ही हैं, तो एम एल टी का पावर माइनस टू बैठा दिए और डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पर है सो सर लंबाई को जानते हैं लेंथ, तो लेंथ के लिए एल बैठा दिए, तो हम ऐसे करके एम अरे एल और एल एल का स्क्वायर हो जाएगा टी है तो टी का पावर क्या माइनस टू, इधर तो टी है नहीं ऐसे नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो लेकिन हम इससे क्या हो जाएगा कि ये डेफिनेशन याद रहेगा नहीं, लेकिन अगर यहां पर वर्क को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखे फिर फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन नीचे लिख के इस प्रकार से अगर आप बनाते हैं ऐसे तो उससे क्या होगा कि आपका याददाश्त शक्ति बढ़ेगी और फॉर्मूला को हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और ऐसे भी बनाते हैं तो कोई कोई बच्चे को याद करते हैं, कोई में दोनों में कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपको सेवन नंबर आपको ये बनाना है कि एनर्जी, एनर्जी बराबर ऊर्जा बराबर जो होता है वह कार्य होता है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, तो हम लोग ऐसे लिखे वर्क। अब आप एनर्जी का अपने से बनाइए क्या होगा, आठवां पावर, पावर बराबर जो होता है वह आप लोग नीचे के क्लास में हिंदी मीडियम में पढ़े होंगे, शक्ति बराबर क्या कहलाता है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, इंग्लिश मीडियम में क्या पढ़े द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, तो द रेट ऑफ डूइंग वर्क तो वर्क और द रेट ऑफ डूइंग वर्क तो रेट के लिए टाइम से डिवाइड करते हैं, और हिंदी मीडियम में शक्ति बराबर कार्य बटे समय आप लोग पढ़े कार्य करने की दर, तो कार्य करने की दर दर के लिए टाइम को समय को नीचे लिखते थे। तो अब अगर आप वर्क वर्क का ही बनाए एम एल का पावर टू टी का पावर माइनस टू ये अभी देखें यही ना आया डिवाइडेड बाय टाइम का हम अगर ऐसे करके टी लिख देते तो क्या आएगा एम, यहां गौर से ध्यान देने वाली बात है बच्चे लोग यही सब सॉल्व कोई कोई बच्चे नहीं कर पाते, ई तो अपना जगह ऐसे लिखेंगे एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस टू ये लिख दी ना। अब क्या कहते हैं इस टी को ऊपर ले जाते हैं तो यहां पावर कितना है वन तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा वन ऐसे करके लिखेंगे, लेकिन यहां एक मिस्टेक हो गया, मिस्टेक क्या हो गया यहां टी का पावर वन तो है लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो यहां प्लस है यहां क्या होगा माइनस, तो यही सब बच्चे से मिस्टेक होती है। और ये सब बच्चे जो समझ गए वो यहां तक तो मैं समझा दिया यहां बना लीजिएगा, लेकिन ये स्टेप इसके बाद ये बच्चे का नीचे क्लास पर डिपेंड करता है, तो अगर आप नहीं जानते ये सब गुना भाग तो अपने अगल बगल में कोई बड़े हैं जो पढ़े हैं तो उनसे ये सब पूछा करें, क्योंकि अभी इस कोरोना काल में आपको वही मदद कर पाएंगे या आप इंडिविजुअल पूछेंगे तो कितना है सो समझ सकते हैं, तो इसी प्रकार से आप फिर बना करके आप भेजिएगा सही और गलत का, कुछ बच्चों को मैंने बताया आप लोगों को भी बताएंगे, तो यहाँ सॉल्व कैसे करना है ये देखिए, अगर नहीं पूछेंगे तो नहीं सीखेंगे, नहीं सीखेंगे दिन प्रतिदिन आप ही का कमजोरी होते चला जाएगा, माँ बाप को आप बोलिएगा हमको ट्यूशन करना है ट्यूशन तो जा सकते हैं लेकिन क्या ये चीज यहां से यहां सॉल्व तो अपने ना करना होगा, लेकिन क्या ट्यूशन जाके आप सीख सकेंगे, ये सारा चीज डिपेंड करता है कि इसके बाद ये जो सॉल्यूशन होगा ये आप कैसे नीचे क्लास में जानते हैं, नहीं तो अभी कैसे सीखेंगे, तो ट्यूशन में ये सब भी नहीं सिखाया जाएगा, इसलिए इस बात को भी आप समझें कि ट्यूशन हर चीज के लिए ट्यूशन जरूरी नहीं है, हर चीज के लिए आपका साहस और आपका लगन जरूरी है कि आप उसको पढ़ते हो आप उसको बनाने का प्रयास करते हो, नहीं जानते हैं तो मैंने क्या बोला अपने से बड़े जो पढ़े होंगे साइंस या इंटर टेन तक भी पढ़े होंगे तो भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, एम एल टी के पर में नहीं पढ़े होंगे वो ए बी सी एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स ऐसे नहीं पढ़े नीचे क्लास में पढ़े ही उसी प्रकार से है, इसलिए इस बातों को ध्यान में रखिए।
आई। हम लोग देखते हैं इसको अब सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि कहां से तो ई एम है इधर एम है क्या नहीं तो एम लिख देंगे। ई ए का पावर टू है इधर एम का कुछ है क्या नहीं तो एम का पावर टू लिख देंगे। यहाँ टी है यहाँ टी है इसका मतलब ये दोनों में सॉल्यूशन होगा तो टी का पावर यहाँ पर क्या है टी का पावर माइनस टू यहाँ क्या है टी का पावर माइनस वन ऐसे है ना तो इसको सॉल्व कर लिए तो टी और टी बेस सेम रहता है गुणा में रहता है तो टी एक टी लिखते हैं और ऊपर वाला पावर छूट जाता है तो ये माइनस टू है और यहाँ प्लस ये माइनस वन ऐसे लिखा है इसको गॉस देख लीजिए टी और टी के लिए एक टी लिखते हैं यहाँ जो है वो लिख दिए और यहां जो है वो लिख दिए बीच में क्या दिए प्लस ऐसे तो ये क्या हो जाएगा टी का पावर यहाँ माइनस टू और यह प्लस माइनस माइनस वन तो यह क्या लिखाएगा टी और यहाँ माइनस वन माइनस टू और माइनस वन क्या माइनस थ्री तो यहां हो जाएगा टी का पावर माइनस थ्री तो ये दोनों का सॉल्व करके ये आया कि ये आंसर है। बच्चे लोग यही सब बातों को नहीं समझ पाते हैं कि यहां पर क्या हो गया ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किसका पावर तो ये सब चीज आपको बाद में चल करके देखना होगा। इसी प्रकार से आपका एनसीईआरटी बुक में और बुक में है सो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे उनको देखना है। इस वीडियो के बाद मैं एक या दो आपको ऐसे स्पेशल बताऊंगा डेराइव फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला उसके बाद आप किसी भी बुक से देख करके डायमेंशनल फॉर्मूला को लिख सकते हैं अगर उसके लिए शर्त क्या है अगर अगर का मतलब यहां पर जैसे वर्क बराबर हम ये फॉर्मूला जानते हैं यहां पर एनर्जी बराबर वर्क होता है तो वर्क बराबर ये लिख सकते हैं पावर बराबर वर्क बाय टाइम होता है ये हमको पता है तभी ना ये आगे बढ़ेंगे तो इसलिए कह रहे हैं कि नेक्स्ट जो भी वीडियो है उसमें मैं दो या तीन और डायमेंशनल फॉर्मूला बताऊंगा फिर आप अपने बुक से डिफरेंट डिफरेंट बुक से देखें क्योंकि अभी जो आपका टेस्ट होने वाला है उसमें जरूर से है सो डायमेंशनल फॉर्मूला पर क्वेश्चन रहेगी और हर साल मतलब केवल पिछले ऑब्जेक्टिव जब हुई दो साल से तब का नहीं बात कर रहे उससे पहले कभी एग्जाम में डायमेंशनल फॉर्मूला हर साल आपका तीन से चार क्वेश्चन जरूर रहता है और पिछले दो साल से पांच पांच ऐसे डायमेंशनल फॉर्मूला रहा है और उसको आप बनाइए और जो नहीं बनेगा उसको हंसो आप पूछ सकते हैं तो मैं कुछ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को भेज दूंगा उसका फॉर्मूला लिख के भेज दूंगा आपके पास नोट्स आप लोग इससे बनाने का प्रयास करें उसका आंसर भी बगल में लिखा हुआ रहेगा आपको वो सॉल्व करके देखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दो या तीन स्पेशल डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी से जिससे आप लोगों को और थोड़ा मजबूती मिलेगी कि हाँ यह जो आप लोगों को आज बताया गया है इसी पर 60% पैसो डायमेंशनल फॉर्मूला इसी पर बच जाएगी। 60% इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको 11th क्लास में मैकेनिक्स जाते पड़ना है इसीलिए आज जो नया सिलेबस आया उसके विषय में भी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।